हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि जिसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको स्टडी करेंगे। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है? देखो, जब भी स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या वो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसमें हाइड्रोजन की क्या हो जाती है? किल्लत हो जाती है। हाइड्रोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। सो उसी कमी को निकालने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज से हमें क्या पता लगता है कि स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन्स कम है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हमारे पास क्या है? C4H10 है। C4H10 हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। C4H10 हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन का क्या स्ट्रक्चर है अपना? कुछ ऐसे है। अब इस स्ट्रक्चर में ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना तो कोई रिंग है, तो इस स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हुआ? जीरो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर C4H8। C4H8 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। C4H8 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? वन। यानी कि आप कंपेयर करो अगर C4H10 से, तो C4H10 से C4H8 में कितने का फर्क है? -2 हाइड्रोजन का फर्क आया। वो 2 हाइड्रोजन का फर्क आया वो किस में दिखा? एक डबल बॉन्ड में दिख गया। सो दैट इज कि यहां पर एक डबल बॉन्ड, यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में और क्या मिला भाई? नेक्स्ट में 2 हाइड्रोजन और कम हो गए। तो हाइड्रोजन और कम हो गए तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा बन गया। इसमें डिग्री ऑफ हायर अनसैचुरेशन कितनी हुई? 2 हो गई। क्यों 2 हुई? क्योंकि 4 हाइड्रोजन की कमी थी, वो किसने रिप्रेजेंट कर दी? 2 डबल बॉन्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखो, C4H8। अब C4H8 यहां पर जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो कुछ ऐसा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। अब रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की कमी कैसे हो गई? देखो, फॉर्मूला तो C4H8 है, पर देखो अगर इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करो, यहां पर क्या था? टर्मिनल में यहां CH3 था, यहां CH3 था। एंड से एक हाइड्रोजन इस एंड से हटाओ, एक हाइड्रोजन इस एंड से हटाओ और इसको मिला दो, तो क्या बनेगा? ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर ही तो मिलेगा। और कितने हाइड्रोजन की कमी हुई? 2 हाइड्रोजन की कमी हुई। यानी कि इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 1 हुआ। इस चीज से हमें यह समझ में आ रहा है कि जैसे ही हम 2 हाइड्रोजन को लेस करते हैं, जैसे हम 2 हाइड्रोजन को लेस करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किससे बढ़ जाता है? ये 1 से इंक्रीज हो जाता है, ये 1 से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ वन सैचुरेशन जैसे ही 2 हाइड्रोजन कम होते हैं 1 से इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ वन सैचुरेशन या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक। सो व्हाट इज डीबी? डीबी इज फर्स्टली अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरा है, क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। कैसे डिनोट कर रहा है? जैसे ही 2 हाइड्रोजन कम हुए वैसे ही डीबी की वैल्यू 1 हो गई। फिर क्या है? नेक्स्ट इज पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड आने पे डीबी की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो जाती है? 1 से इंक्रीज हो जाती है। एक रिंग आने पे डीबी की वैल्यू क्या है? डीबी की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ डीबी। अब इस टोटल चीज में से क्या फॉर्मूला निकला? अगर वी हैव टू कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो हाउ वुड वी कैलकुलेट, ठीक है। सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिंग्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिंग्स प्लस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिंग्स प्लस तुम्हारा
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो इसको तुम लोग छाप लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके छाप लो, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट क्वेश्चंस पे। सो गाइस, अब आते हैं हम क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक पे हमें क्या पढ़ना है, इस टॉपिक पे हमने फाइंड करना है कि डीबी अब प्रैक्टिकल यूज में कैसे करना है। मतलब पढ़ तो सब कुछ लिया, काम जाम सब कुछ सीख लिया है, और लगाना ना आए तो क्या फायदा उसे। तो इसमें हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि डीबी निकालने का क्या तरीका था, निकालने के दो तरीके थे, या इंडिविजुअल रिंग्स को ऐड कर दो और जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं उनको ऐड कर दो, है ना, रिंग्स और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को ऐड कर दो। तो पहले केस में चेक करो, पहले केस में बेंजीन है, बेंजीन है, कितनी रिंग्स है, एक रिंग है, एक रिंग है, और डबल बॉन्ड्स कितने, एक दो तीन, तो डीबी कितना हुआ, फोर। नेक्स्ट केस में देखो कितनी रिंग्स है, नेक्स्ट केस में देखो कितनी रिंग्स है, दो रिंग्स है, प्लस डबल बॉन्ड कितने, एक दो तीन चार पांच, यानी कि डीबी कितना हुआ, सेवन। इसके नेक्स्ट केस में देखो डबल बॉन्ड कितना है, तीन डबल बॉन्ड्स है, तीन डबल बॉन्ड्स है, यानी कि डीबीई कितना हुआ, थ्री। अब इस केस पे देखो, अब ये थोड़े स्पेशल केसेस है, ठीक है, ये थोड़े स्पेशल केसेस है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्यूबेन। अब ऐसे स्ट्रक्चर में एक ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना तुम लोगों को। अगर ऐसे स्ट्रक्चर आए तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस माइनस वन, ये रूल अप्लाई करना है। ऐसे केसेस के लिए क्या है, ऐसे केसेस के लिए नंबर ऑफ फेसेस माइनस वन। अब ये क्यूबेन है, क्यूबेन मतलब क्यूब की तरह रिजेंबल करता है, तो क्यूबेन में कितने फेस होते हैं, सिक्स फेसेस होते हैं, ठीक है, तो सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव। सो इसकी, इस स्ट्रक्चर की डीबी वैल्यू कितनी होगी, फाइव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अ प्रिज्म टाइप का इक्विवेलेंट है ना, प्रिज्म जैसा ही लग रहा है, तो इसमें कितने फेसेस है, अगर वन टू थ्री, नीचे फोर पीछे फाइव, ठीक है, सो देर आर फाइव फेसेस। सो डीबी कितनी वैल्यू हुई, 5 माइनस वन दैट इज 4, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेके तब तक इसको नोट कर लो, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग आ गए हैं। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर देख के, रिंग का स्ट्रक्चर देख के डीबी निकालने की कोशिश की थी। अब क्या है, अब जो टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास मोस्ट फेवरेट जो हमारे नीट या जेई के क्वेश्चंस होते हैं, कि वो क्या कर देते हैं, हमें एक फॉर्मूला दे देते हैं, है ना, और फॉर्मूला में बोलते हैं कि हमें डीबी कैलकुलेट करना है। तो डीबी कैसे कैलकुलेट करना है, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, C plus 1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन होल डिवाइडेड बाई टू। सी क्या है, सी इज योर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस माइनस ब्रैकेट में यह हाइड्रोजन का नंबर है, दिस इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज प्लस हैलोजन, दिस इज नाइट्रोजन, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डीबी फॉर अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कभी दे दिया जाए,
मतलब फॉर्मूला दे दिया जाए और फॉर्मूला से डीवी निकालने को बोला हो, तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो, सबसे पहले कैलकुलेट करो डीबीई फॉर C4H10। व्हाट इज डीबीई फॉर C4H10? तो फॉर्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन, तो 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5। इस फॉर्मूले की चिंता मत करना, ये फॉर्मूला तुम लोग प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे, तो प्रैक्टिस लगाना सीखो पहले। 4 प्लस 1 5 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, वो भी 0 है, होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 प्लस 1 5 माइनस 5, दैट इज 0। और हमें पता है ब्यूटेन में कोई अनसैचुरेशन होती नहीं है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, C4H8 की। C4H8, सो 4 प्लस 1, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 8 प्लस हाइड्रोजन कितना है 0 माइनस नाइट्रोजन कितना है 0 होल डिवाइडेड बाय कितना 2, दैट गिव्स आवर 4 प्लस 1 5 माइनस 5 माइनस 4, दैट इज 1। अब यहां ध्यान रखने की बात यह है कि यहां वैल्यू 1 आई है। अब इस 1 का मतलब क्या हो सकता है, या तो यहां पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और यहां पर एक रिंग प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, दोनों साथ में नहीं होंगे, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगी। नेक्स्ट C4H6 की बात करो, C4H6 क्या होगा, 4 प्लस 1 5 माइनस, फटाफट करो, -6 + 0 -0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 माइनस कितना हुआ 5 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 2। अब इस 2 का इंफरेंस क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का मतलब क्या है कि या तो यहां पर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या तो यहां पर एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड हो सकता है या यहां पर दो रिंग हो सकती है, ठीक है, यहां पर दो रिंग हो सकती है, जो कि स्ट्रक्चर में पॉसिबल है नहीं, पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का मतलब ये है, ठीक है, बाकी आप स्ट्रक्चर बना बना के देख लो आगे। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का मतलब क्या है, दो डबल बॉन्ड होंगे, या तो एक रिंग एक डबल बॉन्ड होगी या तो दो रिंग होगा। स्ट्रक्चर के लिए दो रिंग पॉसिबल नहीं है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड पॉसिबल है या दो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। कौन कौन से है, अगर इसको बनाने को बोला जाए तो आप कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाओगे, दो डबल बॉन्ड वाला ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या एक रिंग एक डबल बॉन्ड वाला ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। सो ऐसे ही ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, दो रिंग नहीं बन सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखो C3H6Cl2, अब इसके लिए डीबी कैसे निकालोगे बेटा, C3 है तो 3 प्लस 1 4 हो गया, माइनस हाइड्रोजन कितने 6 लिख दिए सर, उसके बाद कितना हैलोजन कितना है 2 माइनस नाइट्रोजन कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 माइनस 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो इस केस के लिए डीबी कितना आया 0। नेक्स्ट की बात करें C3H8O, इसके लिए डीबी निकालोगे 3 प्लस 1 4 माइनस 8 माइनस 8 में क्या ऐड करोगे, नंबर ऑफ हैलोजन 0 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0 डिवाइडेड बाय 2। बेटा यहां पर ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन हमारे फॉर्मूले में नहीं है ना, हमें ऑक्सीजन का कोई यूज है फॉर्मूले में, तो ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब भी नहीं है, तो क्या आया 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो डीबी की वैल्यू क्या आ सकती है 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकती है, ठीक है।
तो या अपने ने देखा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, टोटल में रिवाइज करें तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या बताती है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को डिनोट करती है। कैसे दिखता है, अगर एक रिंग प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का नंबर दो से कम होता है, या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब भी हाइड्रोजन का नंबर दो से कम होता है, ठीक है। किसके लिए यूज होती है, अनसैचुरेशन बताने के लिए यूज होती है कंपाउंड्स में, ठीक है। हमें क्या फायदा करती है, हमें स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने में मदद करती है कंपाउंड के फॉर्मूले देखने के। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छा पढ़ेंगे। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।